हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है गौरव मिश्रा और स्वागत कर रहा हूं मैं आपका अपने चैनल पे जिसका नाम है गौरव ट्यूटोरियल्स। बेटा, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो बात करने वाले हैं अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग की। आपकी जो स्कूल की एग्जाम्स होगी बेटा, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायग्राम अच्छे से बनाइएगा आप लोग, और सबसे पहले मैं देख रहा हूँ फूड का पैसेज कैसे होता है। तो बेटा, ये स्टार्ट करेगा माउथ से, पहुंचेगा ओरल कैविटी में, देन इट विल लीड इन टू ईजोफेगस, फ्रॉम ईजोफेगस स्टमक, स्टमक से इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से रेक्टम, रेक्टम से क्लोएका, एंड देन क्लोएका से क्लोएकल अपर्चर की मदद से बॉडी के बाहर। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो फ्रॉग का है बेटा, उसको दो भाग में बांटेंगे, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल की बात हो रही है पहले, क्योंकि हमारा फ्रॉग एक कार्निवोरस है ना, तो उसकी जो इंटेस्टाइन होगी वो कैसी होगी, उसकी एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट रहेगी। ठीक है, जो एलिमेंट्री कैनाल है वो स्टार्ट होगी माउथ से, माउथ जो है वो कहाँ पर ओपन करेगा, इट विल ओपन इनटू बकल कैविटी। द बकल कैविटी विल देन लीड इनटू अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज ईजोफेगस। अब ईजोफेगस तक पहुंचा है, बीच में फेरिंग्स आएगा, बट क्योंकि ये फ्रॉग है और डीमार्केशन नहीं होता है, हम बोलते हैं फेरिंग्स लगभग लगभग एबसेंट ही समझ लेते हैं। ठीक है, ईजोफेगस वुड ओपन इनटू स्टमक, द स्टमक विल लीड इन टू इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन कहाँ पर ओपन कर रही थी, रेक्टम, और फिर फाइनली कहाँ पहुँच जाएंगे हम लोग, क्लोएका पर। तो देखो यहाँ पे पाथ देख सकते हो आप लोग, स्टमक से इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम और क्लोएका, क्लोएकल अपर्चर की मदद से बाहर। चलो पहुँचते हैं आगे और समझते हैं हम लोग किसके बारे में, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो बेटा सबसे पहले आइए लीवर। लीवर जो होता है बेटा, वो क्या सिक्रीट करता है, इट सिक्रीट्स बाइल जूस, और ये जो बाइल जूस लीवर ने बनाया है वो कहाँ पे स्टोर किया जाएगा, इट विल बी स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। द अदर ग्लैंड वी हैव इज पैनक्रियास। पैनक्रियास प्रोड्यूस करेगा क्या, इट विल सिक्रीट पैनक्रियाटिक जूस, द पैनक्रियाटिक जूस वुड कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। लीवर का जो सीक्रेशन था बाइल, वो स्टोर किया जाता है गॉल ब्लैडर में, ध्यान रख के रखिएगा बेटा। चलिए अब हम लोग समझते हैं क्या, वी विल अंडरस्टैंड फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन इन फ्रॉग। तो देखो सबसे पहले तो क्या करना है, डाइजेशन करना, तो खाना पकड़ना पड़ेगा। खाना पकड़ा जाएगा किसकी मदद से, बाइफिड टंग की मदद से। द फूड इज कैप्चर्ड बाय अ बाइफिड टंग। ठीक है, ये कहाँ पहुँच जाएगी उसको, उसके बकल कैविटी में। अब सीधा पहुंच रहा है हमारा खाना स्टमक में। ठीक है, इन स्टमक द डाइजेशन टेक्स प्लेस बाय HCl एंड गैस्ट्रिक जूस। ये गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट किए जाते हैं बाय द वॉल्स ऑफ स्टमक। ये MCQ बन सकता है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए अब ये जो पार्टली डाइजेस्टेड खाना था, जिसको मैं बोलता हूँ काइम, इट पासिस इन टू डुओडेनम। डुओडेनम इज अ पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन इन फ्रॉग। ठीक है, अब डुओडेनम में क्या हो रहा है, दो जगह से सिक्रेशन आ रहे थे, एक तो गॉल ब्लैडर और दूसरा पैनक्रियास। गॉल ब्लैडर ने सिक्रेशन कहाँ से लिया था, लीवर से, और वो क्या था, बाइल। पैनक्रियास के जूस को क्या बोला था, पैनक्रियाटिक जूस। तो ये दोनों ही, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास, CBD मतलब कॉमन बाइल डक्ट के द्वारा ओपन करते हैं अपने डुओडेनम में और सिक्रेशन ऐड कर देते हैं यहाँ पर। तो क्या होगा, सिक्रेशन में क्या आया था, बाइल। बाइल क्या करेगा, इट विल इमल्सिफाई द फैट। पैनक्रियाटिक जूस वो क्या करेगा, इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। अब क्या हुआ बेटा, हमारा जो खाना था वो सारा का सारा इंटेस्टाइन में पच गया। अब पचने के बाद में क्या करना है, उसको एब्जॉर्ब करेंगे, तो हमारे पास आएंगे विलाई एंड माइक्रोविलाई, दे वुड अब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द इंटेस्टाइन। अब बचा है क्या, वेस्ट। ठीक है, तो अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट इज पास्ड through the rectum and then out of the body by cloaca। तो बेटा इतना ही था इस वीडियो में, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगेगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को